तो आज की जो वीडियो है ना वो होने वाली है सिर्फ दो मिनट की, यानी दो मिनट से कुछ तो आपको याद आ रहा होगा। बचपन में मम्मी कहती थी दो मिनट में बनती है क्या, दो मिनट बनती है भाई साहब मैगी। तो आज की वीडियो है गाइस, हम हमने साहब ने देख ही लिया होगा, आज हम अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की मैगी ट्राई करने वाले। कंपेयर करने वाले हैं मैगी अपनी नॉर्मल मसाला मैगी, यीपी वाली मैगी, टॉप रेवन मैगी जो मैंने आज तक कभी नहीं खाई है, मसाला ओट्स मैगी जो मेरी वन ऑफ द फेवरेट मैगी है, और वाई वाई मैगी। तो ये पांच टाइप की मैगी हम लोग ट्राई करने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले देखो ऐसा है सब घर जैसा है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गुरी शर्मा, होप आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ और हेल्दी है। कैच, आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी मोमो वाली, आपने उससे पहले देखी होगी बर्गर वाली, वो तो बने बनाए आए थे। क्यों भाई साहब, ये तो बनानी पड़ेगी ना। हाँ शाजी भाई, मैगी बनाएंगे, आओ। एक मिनट थोड़ा म्यूजिक ऐड करते हैं ना। ये है यीपी मैगी जो बन रही है इन प्रोसेस, ये है हमारी रेगुलर मसाला मैगी येलो पैकेट वाली, और ये है टॉप रैमन करी। तीन मैगी बनाने में जो कि दो मिनट का काम कहा जाता है। ये देखो पसीना देख रहे हो, कितने ज्यादा पसीने आ गए हम लोगों के। ये पागल बनाते हैं, स्कैम है कोई, दो मिनट में नहीं बनती मैगी। जो लोग कहते हैं दो मिनट की मैगी है, कम से कम नहीं तो 6-7 मिनट लगते हैं मैगी बनाने में। कार्तिक भैया, मैगी कैसे बनाते हो भाई? मैगी क्यों आप वायरल होना चाह रहे हो? वही पानी वानी डाल के, मैगी डाल के, मसाला डाल के ढक के 5 मिनट बैठ जाओ। मैगी डाला, मसाला डाला, मिलाया भी नहीं, डब्बा बंद कर दिया, उसको ढक्कन रख दिया, 5 मिनट बाद टहलते टूलते आओ, अरे बन गई मैगी। गैस बंद किया, डाला। बनाने के प्रोसेस में देखो ना गाइस, तो सबसे जल्दी ये बनी है अपनी नॉर्मल मैगी। सबसे टाइम जो लगा रही है वो ये है टॉप रैमन की, इसका तो गट्ठे से बन गए हैं। क्या ही है ये, तो वो वाली लग रही है, वो थुप्पा टाइप ही होता। सब में एक एक पाउच मिला है, ये जो वाई वाई वाला है इसने, ये कुछ होता है शायद लहसुन या फिर प्याज का कुछ होता है पेस्ट इसमें। एक 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 मैगी स्पाइस कर देते हैं इसमें, थोड़ी सी मिर्च ऐड कर देते हैं। गाइस ये अपने साथ घर पे ना करें, ये थोड़ा सा फन के लिए हमने किया है, सिर्फ आपको और हम लोगों को पता चलेगा। चीनी वीनी सब छुपा रहे। ये है नॉर्मल मैगी, मसाला मैगी नॉर्मल, ये है वाई वाई, ये है यीपी मैगी, ये है ओट्स वाली मैगी मसाला मैगी वाली, और ये है टॉप रैमन। तो टॉप रैमन से शुरू करते हैं। तू भी खा भाई पहले, ठीक है, हमसे ज्यादा तो तुझे भूख लग रही है। इसके नूडल्स भी अच्छे हैं। अच्छे गुड, नॉर्मल मैगी से अच्छे हो, इसमें तो ग्रेवी व्रेवी नॉर्मल मैगी से अच्छे। टॉप रैमन इज पंच्ड बाय कार्तिक। टॉप रैमन कैसी है? अजीब सी लगी मुझे, या तो मैं भूखा हूं ना, मुझे सब अच्छा लगा। भूखे तुझे जैसे ये वो पैड थाई नूडल्स खाए कभी? वैसे सर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मजा ही नहीं आया, मजा ही नहीं आया। कैसी थी? फीकी सी लगी। सही में फीकी सी लगी, मसाला कम है बहुत, है ना। और जबकि हमने किसी में भी कोई मसाला जो पैकेट में सैशे में दिया बस वही दिया। देखियो साइड क्यों जा रहा पता, ताकि एक बाइट और मिल जाए। कैसी है? ओके खाओ, मैं कैसी लगी? जेन्युइन बताओ, जेन्युइन लोग बाग, आप हाँ बोलोगे तो खाएंगे, ऐसा खाना है, सच बताओ। सच में गाइस, टॉप रैमन तो ज्यादा खास लगी नहीं। अब दूसरी मैगी खाते गाइस, ये वाली, इसका नाम क्या था भाई? वाई वाई। तो वाई वाई है वेज मैगी, है गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। ये लो भाई, ऐसा स्वाद ही ऐसा लग रहा है, फीका फीका कैसा लगा? भूख लग रही है, खाई नहीं जा रही। भूख लग रही है, खाई नहीं जा रही, मतलब नहीं अच्छी है। हाँ भाई बताओ कैसे है भाई? भाई ये भी सेम फीकी फीकी सी है। ये लो मेरे को यार, ये फीकी फीकी है। हाँ। क्या बात कर रहा है, मैं टेस्ट करूं? आज तो अच्छी लगी है यार, भाई तो फीकी है, मजा ही नहीं है। सूपी सी थी ना, लगा है गरम पानी में डाल दिए। ये दावाई जेन्युइन रिव्यू। इसमें तीन मसाले थे, हमने चौथा ऐड करा है। हमने इस तीन मसाले के बावजूद चौथा मसाला भी ऐड किया, तब भी फीकी लग गई। वो क्या? वो चौथा मसाला था एक चम्मच मिर्च, लाल मिर्च डाली थी, लाल मिर्च, और तब भी कुछ नहीं आया। गाइस लेट्स ट्राई वाई वाई, मेरे को लग रहा है कंपनी क्यों बनाती है। तो अगर अभी तक हम स्कोर कंपेयर करें गाइस, तो वाई वाई से बेटर है
नॉर्मल मैगी, नॉर्मल मैगी येलो कलर की जो टिफिन में जब आपने स्कूल में खाई होगी ना तो गैडी हो जाती थी, कैडी जम जाती थी, ऐसे हो जाती थी। अब याद आ रहे हैं स्कूल वाले दिन। पिछली दो से तो बहुत बढ़िया है, भले फीकी है लेकिन पिछली दो से हमारी टेस्ट बड में मुझे लग रहा मैगी आदत हो गई है ना मैगी की, तो हमें मैगी अच्छी लगती है। इन दोनों पिछली दोनों से तो बहुत बढ़िया है वाली मैगी, ना बिना किसी चीज के बढ़िया है। कैसी है? सही है। टॉप रेमन ज्यादा अच्छी लगी इससे। ये सच बता रहा है या भूख की वजह से है? भूखे बताओ भाई सुधांशु कैसी है? मुक्का मार दूंगा अगर टॉप रेमन बोल दी अच्छी है तो। है ना मुक्का वापस। ये तो अच्छी लगेगी भाई, ये तो ये बेटर है उससे। देखो भाई कैसी है ये, तो मतलब नॉर्मल है ये साटा प्यार। कौन कौन स्कूल में टिफिन बॉक्स में मैगी ले जाता था? मेरे वही वाली बढ़िया लगी। कौन सी? इसे भूखे की तरह खा गया। टॉप रेमन बढ़िया लगी। मैं दोबारा खाऊं क्या इसमें ऐसा? अरे यार फर्क है यार, मैं भी तो खा रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, अभी तो आपने बेकार बोली थी, कैमरे के पीछे ठीक है भाई, अपने अपने स्वाद है। कैसे है भाई बोल रहे थे? टॉप रेमन अच्छी थी। तो अब अगली मैगी की तरफ चलते हैं, इससे पहले ये खाने लग जाए कैमरा इसी की तरफ कर दो भाई। कौन सी थी है? यिप्पी। यिप्पी। ये शक्ल से तो अच्छी लग रही है ये वाली। शक्ल से तो कार्तिक भी अच्छा लगता है। यिप्पी। लो भाई खाओ। आई होप बहुत अच्छी हो। नॉर्मल मैगी से अच्छी। नॉर्मल मैगी से अच्छी है ये आती, अगर ये गर्म होती ना यही तो ठंडी हो गई है, पर ये आती टॉप पे। मतलब टॉप रेमन से भी बढ़िया ये यिप्पी। खा के बताओ भाई। गर्म होती तो बढ़िया होती। हाँ ठीक है। और वैसे मैगी बेस्ट है, थोड़ी सी ठंडी हो तो अच्छा नहीं लगता। तो तेरे हिसाब से अभी तक की टॉप है नॉर्मल मैगी? नॉर्मल मैगी भाई सबसे अच्छी लगी। क्या बात करो सच्ची। हाँ, हाँ, इन सब में ये अच्छी लगी मेरे को टेस्ट। नॉर्मल मैगी से भी अच्छी है। आगे भी किसी को खाना है कि मैं खा लूं सारा? टेस्ट अच्छा नहीं है टेस्ट, मैगी से कंपीट नहीं कर पाएगा ना। तो अभी तक किस किस ने बोला था मैगी बढ़िया? एक दो दोनों भाइयों ने बोला भाई मैगी बढ़िया है। देखते हैं गाइस यूपी में वाले मजे हैं। मुझे नॉर्मल मैगी से तो अच्छी लग रही है ना, मुझे कुछ टेस्ट अच्छा लगा। नॉर्मल मैगी से तो अच्छी है मेरे हिसाब से, यूपी मैगी टॉप में। कैसी है? ठीक है, थोड़ी फीकी है, अगर वो होते ना गर्म और हल्की सी, अगर गर्म होती तो मजा। तो मतलब नॉर्मल मैगी से बढ़िया है। नॉर्मल कौन सी है? नॉर्मल ये वाली। और आपकी उससे वाई वाई से? उससे बढ़िया नहीं है। वाई वाई बढ़िया है। टॉप रेमन, टॉप रेमन, टॉप रेमन वो बढ़िया है। टॉप रेमन वो गरम थी ना। खाओ बताओ कैसी है भाई? ये अच्छी है ना? अच्छी है। बता दिया ना, ऐसा लग रहा है मेरे पैसे लगे हुए इन सब पे। मैं ऐसा क्यों हो रहा हूँ? तेरे हिसाब से नंबर वन पे कौन है? यिप्पी। यिप्पी नंबर वन पे। यिप्पी यिप्पी बस वन ही चाहिए। टॉप रेमन नंबर वन पे कौन है? माओ नंबर वन पे कौन है? यिप्पी। यिप्पी हाँ भाई। मैगी नंबर वन पे कौन सी है? जो पहले खाई थी। टॉप रेमन। टॉप रेमन। और गाइस मेरे हिसाब से अभी तक नंबर वन पे है यिप्पी। तो अभी देखते हैं हमारी बची है लास्ट और फाइनल मैगी, जो की है मैगी ओट्स वाली, जो की मेरी और हर्षु की फेवरेट है और मेरी और कार्तिक की मुंबई का सहारा है ब्रेकफास्ट का। क्या बात है चेहरा। ये मुंबई में 4 साल का हमारा वो था नाश्ता। फाइनल स्कोर मैं बताता हूँ उसके बाद आप ट्राई करो। मैं अभी तक की बहुत अच्छी, मतलब उसको भी बीट कर दिया यिप्पी को। हाँ हाँ, क्योंकि देखो एक तो गर्म है ऊपर से, देखो अच्छा गर्म है। वेजिटेबल्स वगैरह धुआं। घुमाओ पर जल्दी घुमाओ। धुआं निकल रहा है इसमें, धुआं निकल रहा है। माय फर्स्ट टाइम ट्राई करी है। क्या बात कर रहा है? पहली बार? पहली बार। कैसी लगी खा के देखना। नहीं वो बोल, अच्छी लगी ट्राई करो कैसी है। नहीं यार क्या हो गया आप लोगों के टेस्ट बड्स। हाँ जी कमेंट्री नहीं सही लगी। चलो कार्तिक को भी दे ही दो। कैसी है मुंबई याद आ गया? अच्छी आपने अच्छी नहीं बनाई। बना लेता नंबर वन पे मैगी। यिप्पी। यिप्पी गरम यिप्पी अगर होती तो है ही मस्त। ये तो मेरे रचित ही फेवरेट नंबर वन भाई। बनाने वाला भी अगर होता ना तो ये बहुत बढ़िया बनती। देना तेरा मेरे हिसाब से नंबर वन थी मैगी ओट्स वाली। आपके हिसाब से नंबर वन कौन सी थी मैडम? हाँ, वही ओट्स वाली। तेरे हिसाब से भाई? नॉर्मल मैगी। नॉर्मल मैगी जब तक ये खा रहे हैं। तेरे हिसाब से भाई क्या सबसे टॉप पे कौन सी थी? यिप्पी। यिप्पी आपके हिसाब से पापा? जो पहले खाई थी यिप्पी। टॉप रेमन जो भी थी टॉप रेमन। टॉप रेमन
तेरे साल से ओट साल ही आई लाइक इट. बताओ भाई आपकी नो मैन यूपी यार अरे टॉप रमन यार मैं भी रमन रमन कर रहा हूँ टॉप रमन. आज इतनी सारी मैगी खा ली है तो आज खाना तो बनेगा नहीं. तो गाइज ये थी 5 नूडल्स का कंपैरिजन जो कि आप लोगों ने देख ही लिया. ये सारे नूडल्स हमने कंपेयर किया जिसमें से मेरे हिसाब से जीती मैगी ओट्स. बाकी आप लोग भी ट्राई करो सबके अपने अपने थॉट्स हैं. एंड या इसके साथ इस व्लॉग को यही कंप्लीट करता हूँ. होप आप लोगों को पसंद आया होगा. पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करना. मिलते हैं अगले व्लॉग में जो कि आएगा कल. तब तक ले काफी आज करो मजे करो और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ इसी तरीके से और किन किन वीडियोज के कंपेरिजन वीडियोज में बना सकता हूँ या आपको इसी टाइप की कुछ सिमिलर थॉट पे कुछ ऐसी वीडियो चाहिए वो क्या क्या हो सकती है. पिज्जा को कंपेयर करूँ क्या अगली वीडियो में? अगर हाँ तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ. तब तक ले मिलते हैं. Anywhere you wanna go, baby, you just let me know.